नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडुक्सर अपडेट में। और आज हम लोग जाने वाले हैं तिलहार कुंड नामक की जगह पर, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है और बिहार में है, भभुआ कैमूर में। यहां पर हम लोग की बस खड़ी है, जो विद्यालय की तरफ से हम लोग जा रहे हैं, सारे टीचर वाले हैं। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो तिलहार कुंड का जगह है वो अप्रॉक्स भभुआ से 42 किलोमीटर की दूरी पर और मोहनिया से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानाचार्य नहीं दिख रहे हैं, आगे वहीं पर हैं। कहाँ पर हैं? अच्छा, आगे बैठे। आज 6 लगना चाहिए। 6? हाँ। क्या यार, हम पानी चौबा जाए तो हम छक्का दे। भले जी झील में ये ना चल जा। बाकी तो हम नमार लगन दे बड़ा। बाकी हम के देख ले। आज सरकार को गाय आवश्यक होई तो वो फ्री हिट कब ये काटे के ना। दो टन एक मन दो टन एक मन कर आप सारी ना भाई, ना 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 ना, ऐसा गलती का है सरकारी हमारे खातिर ही बना ट्रिप ना। पिछला ट्रिप हम मिस कर ले रही, ये वाला ट्रिप मिस ना करे के लटे। इनका है कंटिन्यू इन्हीं का ले ही रहे। प्रज्ञानंद जी देखिए, आप कौन इतना मदद किए थे सुखदेव भैया। भैया पानी दीजिएगा हमको। आप सबके ना सजादेव पहले कान उनके पास ले जाइए, तब वो कुछ बात बोलेंगे। अच्छा, वो कहीं तक तू बता सब क्या साथ दिया। कान के पास कर लीजिए, कान के पास कर लीजिए। कान भैया बस जब हनुमान घाट गलत जगह पूजा रहे हैं। जोड़ा लिया जाएगा। जोड़ा ना स्नान किए है ना, वहाँ काम है। सारी बिना नहाइले ना दिया ही। कोई कमी नहीं है, रंगने के लिए पैर रंगने के लिए। सब है, चिंता छोड़ दीजिए। अरे भाई बारिन बदल दड़ी कुहार बदले बा और गोड़ रंगिए थी। हां आपने के भाई गुरहती है देवे के हम ले के दिए है। कौन कॉलेज है? राजर्षि सारीवाहन डिग्री महाविद्यालय। राजश्री सारीवाहन डिग्री कॉलेज। अरे वाह, हमारा पहाड़ दिखे लगल। पहाड़
कौन सा पहाड़ है? मंडेश्वरी पहाड़ है, अधौरा वाला। ये अधौरा होटल में धड़कने जाना बंद हो जाए। जाएंगे तो हनुमान घाट मंदिर पड़ेगा, सुवरा नदी के किनारे हनुमान घाट मंदिर है। वहाँ हनुमान जी का बड़ा ही दिव्य मंदिर है। और यह जो रोड आगे बढ़ते चले चला जाएगा, जहाँ से रोड की समाप्ति होगी, उसी रोड की समाप्ति के बाद आप अधौरा के लिए प्रस्थान करेंगे। अधौरा के पर्वतीय स्थलों को आप जो है चढ़ना प्रारंभ करेंगे, और उस पर्वतीय स्थलों से जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो एक जलाशय मिलेगा आपको। जलाशय के बाद जब आगे जाएंगे तो मत्स्य पालन विभाग है, मछली वाला सब ना विभाग बनाया हुआ है। उसके बाद अभयारण्य वाले हैं, उनका एक छावनी मिलेगी। छावनी से जैसे ही आगे जाएंगे तो पश्चिम साइड में स्तंभ लगा हुआ है, लौह स्तंभ, उस पर लिखा हुआ है तेलहार कुंड। तो पश्चिम रूट से आप होकर के तेलहार कुंड सीधे रोड से आप प्रस्थान कर सकते हैं। वहाँ जाकर के आप जो भी भ्रमण दर्शन करना चाहते हैं, पर्वतीय भूभाग है, श्रृंखला है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, कुछ अजीबो गरीब जीव जंतु भी दिखाई देंगे आपको। और कुंड की तो विशेषता कहनी ही नहीं है। उस कुंड में इतनी गहराई है कि ऊपर से आप बड़े से बड़ा पत्थर भी फेंकेंगे तो नीचे जाते जाते वो चींटी के समान दिखती है। और यहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू हो चुकी है। वाह, और यहाँ से पूरे पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यह गाड़ी का जो सिलेंडर है वो पूरा ये बता रहा है कि गाड़ी किस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रही है। हम लोगों की बस में हम लोग आगे जा रहे हैं, और ये यहाँ से और इसका व्यू तो ऐसा लग रहा है जैसे उड़ान है, कि हम लोग जो रेसिंग कार्स की गेम्स खेलते हैं उसकी तरह बिल्कुल लग रहा है यहाँ से जाना। इसको हम लोग हिल स्टेशन ऑफ बिहार बोल सकते हैं। पहली बार एक ऐसा एक्सपीरियंस बिहार में मुझको यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या मस्त नजारा है यहाँ से, गजब गजब। आगे बच्चे बैठे सावधानी से बाइक चलानी पड़ेगी। अगर एक्सपीरियंस हमारे ड्राइवर ना रहे तो यहाँ पर बहुत घटनाएं होने की संभावना होती है। ये यहाँ पे का पहाड़ की चढ़ाई, और ये ट्रक, ऐसा मस्त नजारा, ऐसा मस्त नजारा आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। इसको बोलते हैं कैमूर वैली। और यहाँ पर अगर आप नए हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से अपनी बाइक चलानी चाहिए। एक्सीडेंट्स हर पल होने की संभावना होती है। सिंगल बिल्कुल, और गाड़ी के एक्सीलरेटर बिल्कुल ये दिखलाई, गाड़ी के एक्सीलरेटर बिल्कुल ये बता रही है कि कितनी तेजी से हम लोग को जाना पड़ रहा है। कितनी चढ़ाई है, गजब। और ये कुछ खास, और ये कुछ खास, एक ये बिहू ड्राइवर, बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर। इन्हीं की वजह से हम इतने आराम से पहुंच गए। कटरा से हमारे बिगू जी हैं ड्राइवर, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं ऐसे टूर में जाने के लिए। इनका नंबर जो है वो मैं फ्लैश करा दे रहा हूँ नीचे साइड में। अगर किसी टूर पर जाना है तो कैमूर में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर अगर कोई नया व्यक्ति है यहाँ पर ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आ रहा, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हर पल बने हुए रहते हैं। और यहाँ हर एक क्षण आपको कुछ ना कुछ टर्निंग्स दिखलाई पड़ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रक्स हैं
बहुत सारे बसें जो है वो किनारे साइड में आपको एक्सीडेंट्स हुए आपको दिखलाई पड़े थे, जिसका व्यू भी मैंने दिखलाया था। क्या और ऐसा नजारा लाइफ में पहली बार, बिहार में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है? अनएक्सपेक्टेबल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिहार में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है। गजब। यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं, एक है मुसहरवा बाबा, और मुसहरवा बाबा की ऐसी मान्यता है कि इसके बाद आगे अगर इनको बिना बीड़ी चढ़ाए, बीड़ी चढ़ाते हैं क्या? हाँ, तो इनके बारे में कुछ बतलाइए। और इनको बिना बीड़ी चढ़ाए अगर आगे जाते हैं तो कुछ अशुभ होने की संभावना, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। इस कारण से लोग यहाँ पर बीड़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आने वाले लोगों ने भी पहले से ही कुछ देखिए बीड़ी चढ़ाए हुए यहाँ पर। हम भी इनको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए चला जाए। बिल्कुल आगे यहाँ से जैसे ही हम बढ़ रहे एकदम बिल्कुल, आज से पहले मैंने ऐसा व्यू आज से पहले बिल्कुल जो है बाइक रेसिंग गेम्स में ही मैंने देखा है, वो भी मोबाइल के स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर ही ऐसा व्यू मैंने देखा है। बिल्कुल इतनी टर्निंग्स, इतने टारगेट्स वाले जो रास्ते हैं वो गेम्स में ही आप देख पाएंगे, रियल लाइफ में। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू व्यू अ सच टाइप ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इन द ईच एंड एवरी पॉइंट राइट नाउ। गजब, इंटरेस्टिंग, रियली मानना पड़ेगा। वाव, गजब। फिर देखिए अगली, फिर टर्निंग, अगर हम लोग काउंट करेगा, नंबरिंग काउंट करें, एक अगर टर्निंग पर देखिए, ये टर्निंग कितनी क्लोज टर्निंग आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तक काउंट करते हुए अगली टर्निंग्स, यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8,
16, 17, 18, 19, 20 काउंट करते हुए अगली टर्निंग। ओह माय गॉड, इतनी सारी टर्निंग्स में कभी 50 काउंट कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। यहाँ से और हावड़ा 33 किलोमीटर की दूरी पर है और हर एक पल ऐसा मैं सोच रहा हूँ लगातार कि मैं वीडियो को अब स्टॉप करूँ, लेकिन इतना प्यारा व्यू देख करके कभी भी वीडियो स्टॉप करने का मन नहीं कर रहा। रियली इंटरेस्टिंग डीजे। सोने के साथ साथ बिल्कुल चढ़ाई पर भी हम लोग जा रहे हैं, एस्केलेटर्स हाई रखना पड़ रहा है हर बार, और थोड़ा सा कभी डेप्थ आ रहा है कभी हाई आ रहा है। चट्टान पर ऊपर चढ़ने के, पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने की फीलिंग्स ही अजीब होती है। बहुत ही मजेदार है यह नज़ारा और बहुत ही मजेदार है उतना ही हमारे द्वारा इसके ऊपर में चढ़ना। हर एक पल हम लोग जब भी टर्निंग्स आती है, कभी हम लोग लेफ्ट में कभी राइट में लटके झटके खाते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं, और ये फिर एक टर्निंग। ओ माय गॉड, ये थोड़ा ऊपर से जाते हुए नीचे, या हाउ इंटरेस्टिंग, गजब। और ये ऊपर में पहाड़,
छोड़ को छोड़ के जा रहे हैं, लचकते लचकते लटकते मटकते बस हिलडोल मार रही है। और हम लोग बार बार कभी लेफ्ट में कभी राइट में कभी लेफ्ट में कभी राइट में ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये फिर नीचे उतर रहे हैं, डेंजरस रोड डेंजरस रोड। और ये रंग बिरंगी सी मिट्टी में हम तो उतर रहे हैं फिर डेंजर रोड से। ये जा रहे हम लोग सही में गेम मिस, ये फिर टर्निंग। अब हम लोग आ चुके हैं ऐसे रोड्स, ये सारे रोड्स जो है वो कंकड़ीले पथड़ीले लड़ते लटकते झटकते बस में ढक्के खाते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कोई भी आराम से बैकिंग में प्रॉब्लम होगी फिर ऐसे जगहों पे बच के संभल के, जिसके भी पास एक्सपीरियंस ना हो गांव में रोड्स चलाने का, सॉरी रोड में बस चलाने का। इतने नीचे ना उतरा जाए, ऊपर ही रोक के आगे बढ़ा जाए तो ही बेहतर है, अगर आपके साथ में एक्सपीरियंस ड्राइवर ना हो तो। लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसी देख ली जाए जहाँ पर गाड़ी मोड़ी जा सकती है, वैसे जगह पर ही रुक करके आगे बढ़ना उचित है। अब ये लगता है ऐसा एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक हम लोग बोर्ड देख रहे हैं जिसपे लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र। अब हम लोगों ने बहुत ही अच्छी सी एक जगह देख करके अपनी गाड़ी को लगा दिया है, यहाँ पर गाड़ी को लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। और यहां आने के बाद हम लोग हम लोग पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन पर, और यहां पर हम लोग अपने साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं लाए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। और थोड़ा सा इस पूरे क्षेत्र को हम लोग एक बार विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमें दिखलाई पड़ता है, आगे बढ़ेंगे और सारे लोकेशंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फिलहाल में। लेकिन अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है प्रति क्षेत्र का, और इसके बाद आगे हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इसके बारे में, यहाँ के और सभी क्षेत्रों के बारे में जो जानकार हैं इस क्षेत्र के उनसे भी बातें करेंगे, क्या इसके बारे में वो जानते हैं। और देखते हैं यहाँ हम लोगों ने पिकनिक बनाने की भी पूरी व्यवस्था, यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं लेकर के आए हुए हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं पूरे क्षेत्र को, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग जाने वाले हैं जो दूर वो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो झील का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं।